हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, पॉसिबल इलेवन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक मैच वीडियो है। ये मैच विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का इलाइट ग्रुप ए के बीच में जो मैच खेले जाने वाला है, बिटवीन हैदराबाद वर्सेस बड़ौदा के बीच में के जो टीम्स के बीच में मैच खेले जाने वाला है। 50 ओवर्स का ये गेम होता है फ्रेंड्स, टू बी प्रिसाइज। तो ये एप्लीकेशन की सबसे पहले मैं बात करूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। आपको किसी भी छोटे बड़े वुमेंस मेंस सभी तरीके के मैचेस, क्रिकेट मैचेस की आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। जिस इंफॉर्मेशन को आपको खोजने में काफ़ी सारा टाइम लगता है वो यहाँ पर आपको 5 मिनटों में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए विद रेफरल कोड YT टू गेटिंग रेफरल बोनस। लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन से आप पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमा सकते हैं उसका भी एक वीडियो दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू रन फ्रॉम पॉसिबल इलेवन ऐप। अब इस मैच की बात करें तो सबसे पहले कुछ डिस्क्लेमर या फिर कुछ आगे के अपडेट्स क्या है इस टूर्नामेंट के। तो कुंडल पंड्या द्वारा काफ़ी धमाकेदार पारी खेली गई थी फ्रेंड्स, काफ़ी धमाकेदार लास्ट मैच उन्होंने जिता दिया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है अभी तक सभी बल्लेबाजों से। ईशन किशन की बहुत अच्छी पारी देखने को मिली थी। वैसे ही कुंडल की देखिए, सूर्य कुमार यादव हैज़ बीन डूइंग वेल। तो सभी का अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छी लीग चल रही, टूर्नामेंट चल रही। हैदराबाद की टीम की बात करें तो तन्मय अग्रवाल इस टीम के कप्तान, जो कि बैट्समैन है, तिलक वर्मा के साथ बैटिंग करने आते हैं। ओपनिंग में हिमालय अग्रवाल 3 नंबर पे, 4 नंबर पे भी संदीप, मिकी जायसवाल 5 नंबर पे, 6 नंबर पे रवि तेजा बॉलर, 7 नंबर पे प्रतीक रेड्डी कीपिंग बैट्समैन है, 8 नंबर पे थयागराजन चमा मिलिंद, 9 नंबर पे, 10 नंबर पे अजय देव गोड़ और एसएम हसन 11 नंबर पे। वहीं बड़ौदा की टीम की बात करें तो केदार देवधर ओपनिंग करते हुए देखेंगे समित पटेल कीपर बैट्समैन के साथ। 3 नंबर पे देखेंगे आपको विष्णु सोनकारी, ए राजपूत देखेंगे 4 नंबर पे, 5 नंबर पे देखेंगे कुंडल पंड्या बॉलिंग ऑलराउंडर, और अभी तो बैटिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। कार्तिक कटकड़े ऑलराउंडर एक और, निहधर राधव 7 नंबर पे, 8 नंबर पे आरती आदित्य सेठ, लुकमन मेरीवाल, बी पठान, प्रदीप यादव। तो काफ़ी अच्छी लाइनअप है फ्रेंड्स, दोनों ही तरफ से दोनों ही दल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। वहीं हैदराबाद की बात बोले तो मैंने जैसे कि आप लोगों को सभी कुछ बता दिया, बड़ौदा की तरफ की भी लाइनअप बता दी मैंने। लास्ट 5 हेड टू हेड में भी बड़ौदा का एक अपर हैंड है, 3:2 का रेशियो है। वहीं टॉप पिक्स की बात करें तो तिलक वर्मा अभी तक हाईएस्ट एवरेज है हैदराबाद की टीम में, 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 60 के ऊपर का एवरेज, 166 अगेंस्ट त्रिपुरा, तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में। हैदराबाद के स्किपर तन्मय अग्रवाल भी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन देखते हुए मिले हैं अभी तक। छत्तीसगढ़ के खिलाफ एक स्मैश किया था 122। वहीं चमा मिलिंद एक्सपीरियंस कैंपेनर जो कि हैदराबाद के लिए काफ़ी अच्छे बॉलिंग करते हुए दिखते हैं, इनका इकोनॉमिक्स कम रहता है, 70 विकेट अभी तक चटका चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में, पूरे अपने लाइफ में। राइट आर्म मीडियम पेसर आदित्य सेठ एक सबसे इकोनॉमिकल बॉलर के रूप में दिखते हैं बड़ौदा के लिए, 51 विकेट अभी तक चटका चुके हैं। और फिर वेटरन ऑलराउंडर कुरनल पंड्या गेम चेंजर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं फ्रेंड्स विद बोथ बैट एंड बॉल। तो फ्रेंड, ऐसे टिप्स यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे, की प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है तन्मय अग्रवाल, बी संदीप, रवि तेजा, चामा मिलिंद, केदार देवधर, विष्णु सुलकानी, कुरनल पंड्या एंड आदित्य सेठ। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा मैच लाला भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम इन सूरत। पेज की बात करें तो बोलर्स को मदद मिलती है, 2 ऑल आउट हमें देखने को मिल चुके हैं। फर्स्ट इनिंग की बात करें तो लास्ट 2 मैच जो यहाँ पर खेलने को मिले हैं, तो एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर होने की उम्मीद है, वेदर क्लीन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं टीम्स की ओर। तो फ्रेंड्स, पॉसिबल इलेवन की जीएल टीम, ऑफिशियल जीएल टीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें समित पटेल को कैप्टन बना दिया गया, वाइस कैप्टन है कुंडल पंड्या, तिलक वर्मा एस टीम में, एच अग्रवाल, देवधर, केदार देवधर, बी संदीप, कड़कड़े, पी यादव, एम जायसवाल, रथाव एंड थयागराज। वहीं पॉसिबल इलेवन की एसएल टीम में वाइस कैप्टन फिर से कुंडल पंड्या, तिलक वर्मा एस कैप्टन, समित पटेल भी इस टीम में, देवधर, अग्रवाल, कटकड़े, बी संदीप, पी यादव, रतवा, तेजा एंड जायसवाल। वहीं मुत्तू एक यूजर की टीम की बात करें, यहाँ पर टी अग्रवाल है कैप्टन, वाइस कैप्टन केदार हैं, समित पटेल इस टीम में भी, एच अग्रवाल इस टीम में भी, संदीप, कुरनल पंड्या, कटकड़े, जायसवाल, तेजा, रथवा एंड ए शेट्टी। तो काफ़ी अच्छी टीम्स देखने को मिली। एक और एसआर के नाम की टीम है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स, कॉम्बिनेशन काफ़ी सिमिलर है हर टीम में। तो चलिए फिर से हम अपनी टीम की ओर चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर टीम मैच कर जाएगी तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स।
सामने वाले कंपटीटर से मैच नहीं होने चाहिए, मैं आपको हेड टू हेड 3-2-3 या फिर 10 मेंबर की लीग की टीम बना के दूंगा। समित पटेल मेरे टीम में ज़रूर रहेंगे। आगे बढ़ के देखें तो तन्मय अग्रवाल रहेंगे तिलक वर्मा और रहेंगे हिमालय अग्रवाल, अगर आप चाहें तो, मैं अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। बैट्समैन अगर मुझे बड़ौदा की तरफ से रखना ही होगा तो आई कैन गो विथ सोनाकी। और रनर्स की बात हो तो बकन देव संदीप, कृणाल पंड्या, खटखड़े एंड प्रदीप यादव, तो ये आप चारों के साथ जा सकते हैं, चारों हैज़ बीन डूइंग वेल। और बोलर्स की जहाँ तक की बात है, मिकली जायसवाल, तेजा, आदित्य शेट और एक और प्लेयर, अगर आप तेजा को लेना चाहें तो तेजा हैज़ बीन डूइंग वेल, पर मैं क्षमा विलिंद को लेना चाहूँगा इन प्लेस ऑफ जायसवाल। तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी अच्छी टीम दिख रही है, समित पटेल है इस टीम में, अग्रवाल, तिलक वर्मा, सुलकानी, बी संदीप, कृणाल पंड्या, खटखड़े, पी यादव, तेजा, शेट एंड मिलिंद। तो इस टीम की कैप्टन वाइस कैप्टन की कॉम्बिनेशंस की बात करो तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि बोला कि ये मैच लो स्कोरिंग इनकाउंटर हो सकता है, यानी कि विकेट्स गिरेंगे रन्स कम बनेंगे, तो बैट्समैन के बजाय अगर मैं ऑलराउंडर या फिर बोलर्स पर निवेश करूँ तो ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन। तिलक वर्मा को मैं वाइस कैप्टन बना देता हूँ और कैप्टन बनाऊंगा कृणाल पंड्या को, एक काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन रहेगी फ्रेंड्स, कृणाल पंड्या बोल बैट दोनों करेंगे, वहीं तिलक वर्मा की तरफ से अगर छोटी सी इनिंग भी देखने को मिले तो एक अच्छी इनिंग साबित हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी टीम फ्रेंड्स, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट करते हैं कैसी लगी टीम, एंड फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।